अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो है सेट। ओके, तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ऐसे एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट में आते हैं सेट के हवाले से, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझते हैं। ठीक, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें, जो पहला एमसीक्यूज है वो क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कंसेप्ट में लाना होता है कि ए और बी यूनियन में कोई भी आपस में है। ऐसे अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आप लोगों को एक कंसेप्ट में होना चाहिए, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है तभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो सकते हैं। देखें, ए और यूनियन बी को मैंने किया तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आया। ठीक है, ए यूनियन बी दो सेट है, ए यूनियन बी अब जब करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यूनिवर्सल ही यूनिवर्सल से हम मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो डिफरेंस हो तो डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। ठीक, मतलब फाई आएगा क्योंकि ए यूनियन बी का यूनिवर्सल यूनियन जो हो रहा है वो यूनिवर्सल सेट हो रहा है। तो यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल से ही मैं कट कर रहा हूं तो क्या बचेगा, फाई बचेगा। ठीक है, फिर क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट जब ए में बी यूनिवर्सल से निकालूंगा, जब ए मैं यूनिवर्सल से निकालूंगा तो बी बचेगा। तो बी यूनियन ए क्या होगा, मतलब ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट होगा तो इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक, ओके। अब यहां पे देखें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि बी, क्योंकि ए निकाल दिया यू से तो बचा क्या, बी। ठीक है, अब बी और ए इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, फाइव। ठीक, इफ यहां पर कंडीशन हो, अगर उनके उनके बीच में कोई कॉमन नंबर है, अगर कॉमन होगा तो हमारे पास सी आएगा। मगर ऐसी कंडीशन में अगर बताया नहीं गया हो तो आप लोगों को खुद को समझना है कि कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब उनके बीच में ए और बी के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, फाइव। फिर क्या कह रहा है, फोर्थ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल से, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल से, देन ए एंड बी आर कॉल्ड, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट से। डिसजॉइंट सेट उनको हम कहते हैं जिसके बीच में कोई भी कॉमन सेट ना हो, और जॉइंट सेट उसको कहते हैं जिसको हम ओवरलैप सेट मतलब सेट मतलब सेट भी कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कोई ना कोई कॉमन हो। मगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल तब होगा जब क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट सेट भी हो सकता है, ओवरलैप सेट भी हो सकता है, मगर यहाँ पे जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट। ठीक, देखें, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, देन ए एंड बी आर कॉल्ड। इंटरसेक्शन जो डिस्जॉइंट सेट होगा जिसके लेट फॉर सपोज ए इज इक्वल टू है वन टू और थ्री है, एंड बी इज इक्वल टू मैं कहता हूं फोर फाइव, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा। इसका मतलब है ये क्या है, खुद आपस में डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब होता है डिसजॉइंट, मतलब डिस का मतलब आप जानते हैं कि मतलब ये अपोजिट में जाता है ज्वाइंट के, तो मतलब वो ज्वाइंट नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है उनके बीच में। तो जब कॉमन नंबर नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा, मतलब नल सेट वाइड से। ठीक, तो इसलिए हम इसको भी हम डिसजॉइंट सेट के मतलब कहेंगे। आगे एक और भी है डिसजॉइंट सेट के हवाले से, वो भी आप देख लीजिए छठा। ठीक है, तो आइए हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छठे से स्टार्ट है, वो कहता है कि इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ए एंड बी आर कॉल। जब ए यूनियन बी कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। तो ये भी डिसजॉइंट सेट होगा क्योंकि डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी फाइव होता है, और ए यूनियन बी क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए देन व्हाट। अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कर रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या मतलब, देखिए अगर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सॉरी प्रॉपर सबसेट जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो तो हमारे पास बी आएगा। अगर मैं करूं कि बी इज या ऐसा करो कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं सुपर सेट ऑफ बी, मतलब जो बी हो बी के हर एलिमेंट ए में आने चाहिए, हर एलिमेंट ए में आने चाहिए, तो हमारे पास ए यूनियन बी का जो होगा, लेट फॉर सपोज ए इज इक्वल टू वन टू थ्री देते हैं, एंड बी इज इक्वल टू हम देते हैं वन टू। ठीक, बी इज इक्वल टू देते हैं हम वन टू, तो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आएगा तो वो ए इज इक्वल टू वन टू थ्री आएगा, मतलब ये आएगा। लोग कहते हैं सबसेट भी होगा, बट क्या
सबसेट होगा, मगर कभी कभी ऐसा नहीं होता। सबसेट भी हम इसको कह सकते हैं, सुपर सेट भी, मतलब पावर सेट भी, सॉरी यहां सुपर सेट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। देखें सबसेट, अगर आपके पास सबसेट और सुपर सेट आ जाए तो आपने सुपर सेट ए इक्वल टू, मतलब ए सुपर सेट कहना है, ठीक है। अगर सुपर सेट ना आए, सबसेट आए ऑप्शन आपके पास, तो आपने सबसेट ही करना है, ठीक। देखें आगे, देखें क्वेश्चन नंबर एट क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, देन तो ऑब्वियसली बात है बी जो होगा सुपर सेट ए का होगा, तो इंटरसेक्शन उनका बी ही आएगा। देखें अब ए इज इक्वल टू, हम कहते हैं वन टू थ्री, वन टू कहते हैं और बी कहते हैं हम वन, सॉरी टू और थ्री, ठीक, सॉरी हाँ ए। देखें लेट इट ए सुपर सेट, यहां पे भी यही होगा, देखें ये बी है, लेट ये ए है, ठीक है। अब देखें तो यहां पर इनका इंटरसेक्शन जो होगा, इंटरसेक्शन जो होगा तो इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, कॉमन क्या है ये है, तो कॉमन क्या बी है, तो मतलब बी जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा बी, मतलब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा या सबसेट ऑफ ए होगा बी, ठीक। देखें आगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज कॉल्ड। अब मैं आपको कहूं वन प्लस टू इज इक्वल टू टू प्लस वन, कौन सी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी, जो कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, ओके, रिगार्ड विद यूनियन, ये भी कहना है आपने, ठीक है। अब इफ ए कामा बी एंड सी आर थ्री सेट्स, देन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, फिर ब्रैकेट है, फिर बी यूनियन सी इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, बट रिगार्डिंग सेट एंड यूनियन, ओके। ये थे क्वेश्चन नंबर 10, तो आइए लास्ट क्वेश्चन 5 रहते हैं जो कि हम वो करते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, देन व्हाट, तो क्या होगा, ए और बी क्या होंगे आपस में, या ए और बी आपस में इक्वल सेट हो तो 5 आ सकता है उनका डिफरेंस। देखें ए 1 2 3 हो, बी भी 1 2 3 हो, तो ए से 1 2 3 बी वाले जो है वो कट जाए तो 5 से बचेगा, देन देयर शुड बी ए इज इक्वल टू बी, ओके। अब देखें ए इंटरसेक्शन फाइव होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन, पहली बात तो ये कि ए इंटरसेक्शन फाइव का रिजल्ट क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो फाइव और ए में कॉमन है ही नहीं, तो वो खुद ही क्या है नल सेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा, नल सेट ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यूनिवर्सल सेट से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से कट करना, ठीक, मतलब सब्ट्रैक्ट करना, उनका डिफरेंस करना, तो अगर मैं नल सेट ही यूनिवर्सल से डिफरेंस कर दूं, मतलब के कट कर दूं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो आंसर ही यूनिवर्सल सेट आएगा, तो इसका क्या होगा यूनिवर्सल सेट, ओके। अब u माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट, अब पहली बात तो ये कि u से मैं a कट करता हूं तो हमारे पास b बचता है, अब b ही मैं यूनिवर्सल से कट करता हूं, देखें इसमें से अगर मैं a कट करूं, मतलब डिफरेंस करूं इनका, तो हमारे पास b आएगा, U से A गया तो B बचेगा, अब B मैं फिर यूनिवर्सल से कट करता हूं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, B मैं फिर यूनिवर्सल से कट करता हूं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है A आएगा, B अगर यूनिवर्सल से गया तो A आएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा A आएगा, ठीक। देखें if number of elements in set A is 3, A is 3 and a number in B and say in set B is 2, then number of A cross B is 1। तो अगर ऐसा क्रॉस वाला क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देन देयर विल बी 6 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ओके। देखिए ना मैं आपको बताता हूं, देखिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक, एंड बी इज इक्वल टू क्या है 4 5 है, तो ए क्रॉस बी जो होता है हमारे पास वो क्या करते हैं, हम इनको हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है, ए 4 हमें मतलब ए कम ऑफ 4 या कमा, ऐसे हम जब करते हैं ना, तो या आप इसको ज्यादा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक, तो इनका जो आप डायरेक्ट बस इसको आप मल्टीप्लाई करने जब क्रॉस की बात है तो, ठीक। देखें इफ ए एंड इफ एंड आर डिस्टेंट, मैं भूल गया यहां थोड़ा लिखना, इफ ए एंड बी आर डिस्टेंट, इफ ए एंड बी आर डिस्टेंट सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। जब डिसजॉइंट सेट होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, जो इंटरसेक्शन उनका होता है वो क्या होता है नल सेट होता है, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, नल सेट मतलब वही नल सेट, अगर मैं यूनिवर्सल सेट कट करता हूं तो हमारे पास क्या बचता है यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो ये क्वेश्चन था इस अंदाज का, ठीक है,
तो ये 15 क्वेश्चन आए हो कि आप लोगों ने मतलब समझे होंगे और आप लोगों को समझ आ भी गए होंगे, और इनकी वर्कशीट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दी थी।